हेलो डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में आपके साथ पीएमसी एमडीकेट के हवाले से एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएगी, आपके साथ बहुत ही बिग न्यूज़ शेयर की जाएगी। पीएमसी एमडीकेट के हवाले से आपको बताया जाएगा कि सेंटर के और मेरिट फार्मूला के हवाले से आपके साथ बहुत ही रिसेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, और आपको बताया जाएगा कि फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन पीएमसी एमडीकेट की क्या चल रही है। आपके साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट्स शेयर की जाएंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर friends, and if you have any query you may comment me in the comment section. So without wasting our time we should start our video, so let's get started. सबसे पहले आपके साथ शेयर करते चले कि पीएमसी एमडीकेट के एग्जाम जो कि 13 नवंबर 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये क्या 13 नवंबर को ही कंडक्ट करवाया जाएगा? तो आपको बताते चलें कि जी बिल्कुल 13 नवंबर को ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। किसी किस्म की एग्जाम कंडक्टेंस में यानी किसी किस्म की कोई डेट में चेंजिंग नहीं आएगी। पीएमसी ने ऑफिशियली भी इस चीज को क्लियर कर दिया है, और जो मीटिंग रिसेंटली जो हुई थी, ठीक है, उसके अंदर भी प्रेजिडेंट ने यही कह दिया है, यानी पीएमसी के प्रेजिडेंट ने यही कह दिया है कि आपका 13 नवंबर 2022 को ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सेंटर के अंदर और मेरिट फार्मूला के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था कि जितने भी रिपीटर्स थे यानी जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिए थे, ठीक है, उनके साथ कम्पीट करना और उनके लेवल पर आना, यानी उन्होंने पिछले साल एफएससी में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, उन्होंने 1080 1090, इवन तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1100 मार्क्स भी स्क्योर किए थे, तो उनके उनकी सीट्स उनके नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा थे कि उन्होंने सीट्स पर ज्यादा स्टूडेंट्स ने बैठना था। यानी इस साल काफी सारे चांसेस थे कि रिपीटर्स जो है काफी सारी सीट्स को स्क्योर कर सके, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्रेशर्स थे उन्होंने इस चीज पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा है कि हमारा मेरिट फार्मूला चेंज किया जाए, यानी हमें एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट के बेसिस पर हमारी वेटेज ली जाए एफएससी की, यानी एफएससी के जो भी एफएससी आपकी एग्जाम्स हो गए हैं उनके ओवरऑल परसेंटेज ना ली जाए बल्कि उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को काउंट किया। एक प्रॉब्लम ये थी एमडीकेट के स्टूडेंट्स की, और दूसरी प्रॉब्लम उनको सेंटर के हवाले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। यानी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका चूंकि उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उन्होंने जो है ऑल्दो उनका डोमिसाइल और वो रहने वाले सिंध के थे, लेकिन उन्होंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया था और उन्होंने पंजाब के अकॉर्डिंग बुक्स को स्टडी किया था और सिलेबस को फॉलो किया था, तो अब उनके लिए काफी सारे इशूज आ रहे थे। क्योंकि आपको ये चीज बताते चलें कि आपका जो एमडीकेट है वो जो कि पहले सेम डे में कंडक्ट होना था, अब उसको प्रोविंशनली कर दिया गया है, यानी तमाम प्रोविंसेस अपना अपना एमडीकेट कंडक्ट करवाएंगे, और ये उनके अंडर है कि वो किस तरह का एमडीकेट कंडक्ट करवाते हैं, वो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग एमडीकेट कंडक्ट करवाते हैं या किसी और तरह से कंडक्ट करवाते हैं। इस हवाले से काफी सारी बच्चों को प्रॉब्लम्स का शिकार थे बच्चे सेंटर के हवाले से, और जो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको सेंटर का इशू था उन्होंने पीएमसी से इस चीज की दरख्वास्त भी की थी, पीएमसी से इस चीज के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन पीएमसी चूंकि आपको पता है कि 13 नवंबर 2022 को आपका एमडीकेट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, तो पीएमसी ने इस चीज पर कोई इशू नहीं लिया, पीएमसी ने इस चीज पर कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं उठाया। तो स्टूडेंट्स ने इस तरह से किया है कि स्टूडेंट्स ने जो पीएमसी से ऊपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी पीएमसी से जो ऊपर हेड ऑफिस होते हैं उनमें जाकर कंप्लेन की है, उनमें जाकर इशू को उठाया है, और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने अब इस चीज को कहा है कि जब तक स्टूडेंट्स का इशू सॉल्व नहीं किया जाएगा एमडीकेट को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और पीएमसी ने इस चीज को कह भी दिया है कि सेंटर्स अगर चेंज करवाए जाएंगे तो उसमें काफी सारे डेज लगेंगे, यानी आपके एमडीकेट जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, जो कि ऑल्दो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, जो कि आपका अक्टूबर में होना था, आपका सितंबर में अक्टूबर में जाना था वो नवंबर में जा चुका है। और पीएमसी इस चीज पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही कि वो आपके सेंटर्स चेंज करें, लेकिन आपके जितने भी हेड ऑफिसेज है उसमें ये चीज को अनाउंस कर दिया गया, उसमें इस चीज को कह दिया गया है कि स्टूडेंट्स के जो इश्यूज है उनको सॉल्व किया जाए। तो पीएमसी ने अब आपसे 3rd of November तक का टाइम लिया है कि पीएमसी अपना 3rd of November तक अपना फैसला सुना देगी कि वो सेंटर्स को चेंज करने जा रही है या फिर वो सेंटर्स को नहीं चेंज करने जा रही, या फिर पीएमसी अब क्या करने वाली है तमाम स्टूडेंट के सेंटर्स के साथ। इसके हवाले से आपको बताते चलें कि अब स्टूडेंट्स के लिए टेंशन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, टेंशन थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि एक उम्मीद जारी हो चुकी है कि हो सकता है कि आपके सेंटर्स हैं उनको चेंज कर दिया जाए, और स्टूडेंट्स जिनका सिंध में टेस्ट होना था, जिनके जिनका बुक्स के अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं होना था, हो सकता है अब उनका भी उनके बुक्स के अकॉर्डिंग हो और उसके अकॉर्डिंग हो जो सिलेबस उन्होंने फॉलो किया था। इस हवाले से आपको ये लेटेस्ट अपडेट्स देते चलें और आपको बताते चलें कि 13th of November को आपका एमडीकेट कंडक्ट होने जा रहा है, लेकिन
जिस दिन अब दोबारा 3rd of November को जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो आपको इस YouTube चैनल पर आपके साथ इन्फॉर्म कर दी जाएगी, आपके साथ बता दी जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव एनी क्यूरी कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अप टिल नाउ अल्लाह हाफिज़।